एक जंगल में रहने वाली लूसी कबूतरी, मीनू मौसी और छोटी तोती एक पेड़ की डाल पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। लूसी, क्या बात है, पिछले कई दिनों से तुम दिखाई नहीं दे रही हो। मीनू मौसी, यहाँ पर मेरा घोंसला बिखरा और वहाँ सर्दी के दिन शुरू हो गए, इसलिए एक मजबूत घर बनाना चाहती थी। उसमें लगने वाली लकड़ी और टहनी को इकट्ठा कर रही थी। तो मिले तुम्हें लकड़ियाँ? कहाँ मीनू मौसी, उसी की तलाश में बिजी रहती हूँ। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पर आज बहुत निराश हो। हूँ थोड़ी उदास नहीं लूसी, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मेरी भी चिंता घोंसले को लेकर है। गर्मी के दिनों में तो ठंडी हवाओं को लेकर छोड़ दिया था, फिर बरसात का मौसम शुरू हुआ, इसीलिए घोंसला बनाने का मौका नहीं मिला। अब बिना मरम्मत के रहना मुश्किल है। मैं तो सोच रही थी कि मेरे घोंसले की ही समस्या चल रही है, और मैं तुम दोनों से मदद मांगने आई थी, पर यहाँ आई तो पता चला कि तुम दोनों के साथ भी यही हो रहा है। ऐसे में तुम दोनों मेरी मदद कैसे करोगे? छोटू तोते, तुम्हारे घर में भी मरम्मत की ज़रूरत है? इतने दिनों तक घोंसला की मरम्मत को ज़रूरी नहीं समझा था, अब जैसे ही ठंड शुरू हुई है मुझे मेरी गलती समझ में आ गई। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अच्छा प्लान बनाकर मैं एक ऐसा घर बनाऊंगी कि कड़कड़ाती ठंड को रोक सके, तेज से हो रही बारिश से भी बचे और गर्मियों में धधकती हुई धूप से बचाए। देख लिया, हम तीनों लंबे समय से दोस्त हैं, लेकिन हम तीनों इस समस्या के बारे में बात नहीं की। सही कहा, पर ऐसा कोई समस्या भी नहीं आया था। हाँ हाँ सही कहा, और हम तीनों अपने समस्या को जान भी नहीं पाए, अच्छे से जान भी चुके हैं और एक अच्छा सा उपाय सूझा है। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो कह देना अच्छा है, अगर ना पसंद आए तो कह देना नहीं, पर हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। अरे छोटी तोती, पहले तुम बात तो बताओ। न तूने बताया है और न ही हमने जाना है, और तुम इतने जल्दी झगड़े तक पहुंच गई। मीनू मौसी, हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि जब ये कोई बात सोचती है तो उसके जड़ तक जाती है, अच्छे बुरे के भी सोच लेती है। हम तीनों बहुत अच्छे मित्र हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, और इस समय हम तीनों यही चाहते कि हमारे टूटे फूटे पुराने घरों की मरम्मत करें। मैं सोच रही थी कि बजाय इसके अपने अपने घोंसले बना लें, क्यों ना तीनों मिलके मजबूत पक्का घोंसला बना लें, गर्मी बरसात और ठंड से हम तीनों की सुरक्षा कर पाए। छोटू तोते ने जैसे ये कहा, लूसी कबूतरी और मीनू मौसी ने तालियां बजाई। छोटी तोती भी बहुत खुश हो गई। फिर उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बड़ा सा पक्का घोंसला बनाया, जो हर मौसम में उनकी रक्षा कर सके। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। तीनों मित्र साथ में मिलकर अपने भोजन का व्यवस्था करती और भोजन लेकर तीनों मिलकर घर वापस आती। उसी जंगल में टपकते हुए घोंसले में एक कौवी रहती थी। ठंड उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो ठंड से कांप रही थी। मेरी आलस की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। काश मैंने समय रहते अपने घोंसले की मरम्मत कर ली होती। हर रोज बहाना बनाकर काम छोड़ती रही और आज पछतावा हो रहा है। अब ठंड भी तेज हो गया है, अब हमारी गलती समझ में आ गई, और कई पंछी तो अपनी जान गंवा दी। किसी पंछी के पास जाके मदद मांग लेती हूँ। चीचू कभी किसी से मदद मांगने के लिए घोंसले से बाहर निकली और
ओले बरस रहे थे। चीचू उड़ती जा रही थी। उसकी नज़र उन तीनों मित्र के घोंसले पर पड़ी। वो बहुत उम्मीद लेकर उनके पक्के मकान पर गई और दरवाज़ा खटखटाया। वो तीनों सो रहे थे। लूसी ने दरवाज़ा खोला। इतनी ठंड में चीचू कभी दिखाई दी। क्या हुआ कभी, क्या बात है? कुछ भी नहीं लूसी कबूतरी। अच्छा कुछ भी नहीं तो यहाँ क्यों आई है? लूसी मेरी बात तो सुनो। देखो चूची कभी, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तुम जल्दी से बताओ कि किस लिए आई हो। हाँ लूसी, मैं यही तो कहने आई हूँ। मेरा घोंसला बिगड़ चुका है, क्या मुझे तुम्हारे घोंसले में थोड़ी जगह मिलेगी? बस घर के किसी कोने में सो जाऊंगी, सुबह होते ही चली जाऊंगी। हम तीनों के लिए घर में जगह नहीं है, तुम्हें कैसे जगह देंगे? तुम कहीं और कोशिश करनी चाहिए, तुम कहीं और जाओ, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। बेचारी चूची कभी उससे विनती करने लगी, लेकिन लूसी कबूतरी ने उसकी एक नहीं सुनी और दरवाज़ा बंद करके कम्बल ओढ़कर सो गई। अंधेरा हो चुका था। कभी दूसरे दिन फिर आ गई तो दरवाज़ा खटखटाया तो छोटू तोती दरवाज़ा खोली। चीचू कभी को देखकर बोली, हमारे घर में खुद जगह नहीं, हम तुम्हें कैसे जगह दे, इतना कहकर दरवाज़ा बंद कर ली। तीसरे दिन फिर चूचू कभी लूसी के घर पर आ गई। उस दिन मीनू मौसी ने दरवाज़ा खोला तो देखा चीचू कभी। क्या बात है चीचू? चीचू ने कहा, मीनू मौसी आज रात के लिए मुझे थोड़ी जगह दे दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। मीनू मौसी ने उसे जगह दे दी। फिर मीनू मौसी से लूसी कबूतरी और छोटी तोती से बहस होने लगी तो मीनू मौसी ने अपने ही बिस्तर पर चीचू कभी को सुला लिया। सुबह हुआ तो